हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद माय न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन इंचलाडास। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और इसके साथ मैं रेड सॉस भी बनाऊंगी जो इसके साथ यूज़ होता है। और ये बहुत ही जल्दी बनने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा यम होता है, तो इस मस्ट ट्राई डिश है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है, इसमें मैं 1/2 kg मटन गोश्त डाल रही हूँ। इसी में मैं 2 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 medium size अनियन, प्याज, सॉल्ट, नमक एज पर योर टेस्ट, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 teaspoon सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालें, 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर एंड 1 cup वाटर। इन सबको मैं मिक्स करूँगी और सीटी लगा दूँगी, प्रेशर बंद कर दूँगी हाई फ्लेम पे। एक सीटी आने के बाद इसको मैं 20 to 25 minutes के लिए लो फ्लेम पर पकाऊँगी। 3 teaspoon ऑयल, जब तक हमारा मीट हो रहा है हम ये प्रिपेयर करेंगे। और इसमें मैंने 1 medium size अनियन डाल दी है ऑयल गरम करने के बाद। इसको ट्रांसल्यूसेंट होने तक हम पकाएंगे, जब भी गल जाती है ना, मुलायम हो जाती है, वहाँ तक बस। और यहाँ पे मैं 4 medium size टमाटर ऐड कर रही हूँ, 1 teaspoon ऑर्गेनो, 3 garlic cloves लहसुन की कलियाँ 3 जिसको मैंने काट लिया है, 1/4 teaspoon ब्लैक पेपर काली मिर्च, 1 teaspoon वेनेगर, वाइट वेनेगर मैंने यहाँ पे लिया है, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एज पर योर टेस्ट, 1 teaspoon क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, 1 teaspoon शुगर, चीनी, 1/2 teaspoon सॉल्ट, नमक और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक ऐड करें, एंड 2 teaspoon टोमेटो केचप। इन सबको बहुत ही अच्छा सा मिक्स दूंगी और ढक के इन्हें गलने के लिए, पकने के लिए छोड़ दूंगी और पानी थोड़ा रहन देंगे। अगर पानी आपका जल जाए तो आप इसमें वाटर ऐड करके इसको खौला लें। ये देखिए, इसको मैं दिखा रही हूँ, मैंने इसको ठंडा कर लिया है और ये रेडी है। और ये देखिए हमारे मटन, देखिए कितने अच्छे से गल गए हैं। अगर इसमें पानी बच जाता है तो आप उसको इसी में जला लें, भून लें, बिल्कुल ऐसे ही गला होना चाहिए। देखिए हमारे जो टोमेटो का हमने प्यूरी ऐड किया है, इसको मैं जार में ऐड करके इसको ब्लेंड कर लूँगी, पेस्ट बना लूँगी, ये देखिए बिल्कुल ऐसे, और इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। यह हमारा सॉस रेडी हो गया है। ये हमारे मटन के पीसेस, इसको हाथ से मैं श्रेड कर रही हूँ, ये बहुत ही गल गया है, इतना ही गला होना चाहिए आप जिसे श्रेड कर सकें इसे। ये देखिए हमारे मटन जो इसको श्रेड किया है, उसमें मैं 4 teaspoon जो सॉस हमने बनाया है वो ऐड करके मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 चियाज ब्रेड लिया है, इसकी रेसिपी मैं आपको वीडियो के लिंक में दे दूँगी, आप जाके देख लेना। मैंने छोटी बनाया, आप अपने साइज़ की बनाना। इसमें मैंने मटन डाला और उसके ऊपर अनियन और अब हमारी मोज़रेला चीज़, ये आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डालें। अब इसको हम रोल कर देंगे। ऐसे ही मैं सारे अपने इंचलाडास रेडी करूँगी। ये देखिए मैंने एक डिश लिया है, उसमें 1/2 puree जो हमने सॉस बनाया है रेड सॉस वो डाल देंगे, उसके ऊपर हम अपने सारे इंचलाडास लगाएंगे, रोल जो हैं हमारे। इसके ऊपर बचे हुए सॉस भी मैं ऐड कर रही हूँ। और अब हमारी मोज़रेला चीज़, आपको जितना ऐड करना है आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। इसके ऊपर मैंने थोड़े से पुदीने ऐड कर दिए हैं, ये ऑप्शनल है। अब इसको मैंने बेक कर लिया है 180 degree पे 10 मिनट्स के लिए, और जब तक चीज़ मेल्ट ना हो जाए कम्प्लीटली तब तक। ये देखिए बहुत ही यम्मी है, मस्ट ट्राई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।